वेलकम टू सोशल। लव इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड और ये बात शायद आप सब जानते हैं। वहीं फिल्म्स की बात करें तो हमारे सिनेमा में लव स्टोरीज सबसे ज्यादा बनाई जाती हैं एंड डेफिनेटली लव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर ओन लाइफ एज वेल। फिल्म में जो लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं वो ज्यादातर रियालिटी में बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होती है, जिससे एज एन ऑडियंस हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते। वहीं टाइम टू टाइम हमें कुछ ऐसी फिल्म्स देखने को मिलती हैं जहां लव का नैरेटिव बहुत ही रियल रखा जाता है। इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ फिल्म्स की बात करेंगे जिनमें लव स्टोरीज को रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। ये वीडियो हिंदी फिल्म्स, साउथ इंडियन फिल्म्स और हॉलीवुड फिल्म्स का मिक्सचर होने वाला है, जिसे हमने बहुत सोच समझ कर कंपाइल किया है। एज ऑलवेज दिस इज नॉट अ टॉप 10 लिस्ट एज एवरी फिल्म डिजर्व्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे क्या देख रहे हो? पता नहीं। नंबर 196। ये एक तामिल फिल्म है जिसे मॉडर्न सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरीज में गिना जाता है। फिल्म में हम एक फोटोग्राफर राम की कहानी देखते हैं जो स्कूल रियूनियन पर अपनी फ्रेंड जानू से मिलता है, जिसे वो बचपन से पसंद किया करता था। इस मीटिंग के थ्रू दोनों एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट करते हैं और कई पुरानी यादें सामने आती हैं। आप सबकी लाइफ में भी ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा जब आप किसी को पसंद करते हैं पर किसी वजह से आप उन्हें अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाते हैं। फिल्म में भी बिल्कुल इसी नैरेटिव से हमें स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे आप सब रिलेट कर पाएंगे। जिस तरह से राम के कैरेक्टर को दिखाया गया है, वैसे हमने शायद ही किसी इंडियन फिल्म में कैरेक्टर्स को देखा है। In his first appearance, he looks to be a serious guy who knows what to do in every situation. But वहीं जब वो जानू से मिलता है तो वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आता है। We recommend कि आप ये फिल्म बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ऐसी लव स्टोरीज बहुत कम बनाई जाती हैं। आप इस फिल्म को YouTube पर हिंदी में भी देख सकते हैं, बट वी रिकमेंड कि आप विजय सेतुपति की रियल वॉइस में ही इस फिल्म को देखें। वी ऑलरेडी नो कि सोशल की बहुत सी ऑडियंस इस फिल्म को देख चुकी है, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको 96 कैसी लगी थी। नंबर 2, द लंच बॉक्स। इस फिल्म के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रितेश बत्रा डायरेक्टेड द लंच बॉक्स एक वंस इन अ लाइफ टाइम फिल्म है जो हर इंडिविजुअल को एक अलग लेवल पर कनेक्ट करती है। फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसे देखकर आपको लगता है कि आप एक ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसे कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। फिल्म में हम ईला को देखते हैं जो एक हाउसवाइफ है और रोज अपने हस्बैंड के लिए वो एक लंच बॉक्स तैयार करती है। गलती से एक दिन ये लंच बॉक्स गलत एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां हमें साजन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को लंच बॉक्स के थ्रू लेटर्स लिखा करते हैं और दोनों में एक कनेक्शन बनने लग जाता है। फिल्म में जिस तरह से लेटर्स के थ्रू बात की गई है वो इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इरफान खान और निमरत कौर के नरेशन फिल्म में एक अलग ही रोल प्ले करते हैं, जहां ज्यादातर आप बैकग्राउंड नरेशन के थ्रू ही दोनों की फीलिंग्स को जान पाते हैं। पूरी फिल्म में आप दोनों की सिचुएशंस को पर्सनली फील करते हैं एंड यू जस्ट वांट बोथ ऑफ देम टू बी विद ईच अदर। द लंच बॉक्स हमारी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है एंड वी ऑलवेज लव टू डिस्कस दिस फिल्म। हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर काफी पोस्ट किए हैं, जिसे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा डू लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ यू फील अबाउट द लंच बॉक्स। वी विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड द बेस्ट वंस विल बी शेयर्ड ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। डियर इला, थिंग्स आर नेवर एज बैड एज दे सीम। नंबर 3, वेक अप सिड। वेक अप सिड एक इन्फ्लुएंशियल फिल्म है जो आपको बहुत सी चीजें खुद के बारे में रियलाइज कराती है। फिल्म में हम सिद्धार्थ का कैरेक्टर देखते हैं जो एक बहुत ही केयरफ्री लाइफ जीता है और उसे लगता है कि सब कुछ उसे आसानी से मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, अपनी टीनेज में हम सब भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं, पर आफ्टर अ वाइल यू रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट इजी एज दे सीम। फिल्म में पैशंस के अलावा एक लव स्टोरी को भी बहुत रियलिस्टिकली दिखाया गया है, जहां हम आयशा और सिद्धार्थ के बीच की केमिस्ट्री देखते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं एंड इन अ वे सिद्धार्थ गेट्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम आयशा। आपने भी लाइफ में रियलाइज किया होगा कि जिनसे हम सबसे क्लोज फील करते हैं उन्हीं की तरह दुनिया को देखने लग जाते हैं। फिल्म में भी सिद्धार्थ आयशा से बहुत कुछ सीखता है और आगे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करने लग जाता है। दैट्स अ सोल रीजन व्हाई वी हैव एडेड वेक अप सिड इन दिस लिस्ट, बिकॉज प्यार करना या लाइफ पार्टनर ढूंढना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि प्यार के साथ साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना भी जरूरी है। नंबर 4, फोटोग्राफ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज ऑफ रीसेंट टाइम्स, फोटोग्राफ आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म में हम एक फोटोग्राफर की कहानी देखते हैं जो एक लड़की की फोटो खींचता है, पर वो फोटोग्राफ कभी उसे दे ही नहीं पाता। आगे दोनों कैसे मिलते हैं उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। सालों बाद जब आप ये फोटो देखेंगी मैडम, तो आपको आपके चेहरे पे यही धूप दिखाई देगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सानिया मल्होत्रा फिल्म में मेन कास्ट के तौर पर नजर आते हैं और दोनों ने अपने कैरेक्टर्स बहुत परफेक्शन से प्ले किए हैं।
नवाजुद्दीन रफ़ी का करेक्टर प्ले करते हैं जो एक स्ट्रीट फोटोग्राफर है और वो कभी किसी लड़की के क्लोज नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम सानिया मल्होत्रा को मिलोनी के रोल में देखते हैं जो एक सीए स्टूडेंट है और उसकी लाइफ हमेशा से बहुत मोनोटनस रही है। दोनों कैरेक्टर्स बहुत कम बात करते हैं पर फिर भी दोनों की फीलिंग्स आपको बहुत अच्छे से नजर आती है। एक तरफ रफ़ी हर वक्त सोचता है कि एम आई गुड इनफ फॉर हर एंड ऑन द अदर हैंड मिलोनी इज अनश्योर वेदर शी इज इन लव और नॉट। बॉलीवुड में रेयरली ही ऐसी लव स्टोरीज बनाई गई हैं एंड वी रिकमेंड जिन्हें द लंच बॉक्स और सर जैसी फिल्म्स पसंद आई थी उन्हें ये फिल्म भी जरूर देखनी चाहिए। अरे वो कोई बिजली का तार नहीं है, स्माइल प्लीज। नंबर 5 बिफोर सनराइज। बॉलीवुड में हमने कितनी सारी फिल्म्स देखी हैं जहां दो कैरेक्टर्स ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं और वहां से ही उन्हें प्यार हो जाता है। बिफोर सनराइज भी उसी नैरेटिव पर बेस्ड है और इस जॉनर की सबसे रोमांटिक फिल्म्स में से एक है। फिल्म में हम दो कैरेक्टर्स को एक ट्रेन जर्नी पर मिलते हुए देखते हैं और पूरे फिल्म में एक दिन की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में जो रियलिस्टिक एलिमेंट है वो दोनों कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन से आता है जहां लव, लाइफ, पॉलिटिक्स, लिटरेचर ये दोनों हर चीज के बारे में बात करते हैं। डोंट यू थिंक रियलिटी में भी हम लोगों से बिल्कुल इसी तरह बात करना शुरू करते हैं और देखते ही देखते वी स्टार्ट टू डेवलप अ लाइकिंग फॉर देम। बिल्कुल वैसे ही इस फिल्म में होता है। वी रिकमेंड कि आप ये फिल्म जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसके बाकी दो पार्ट्स भी आपको देखने चाहिए। इफ देयर आर एनी फैंस ऑफ बिफोर ट्रायलॉजी हियर प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, वी विल ड्रॉप यू अ हार्ट इन रिटर्न। आई हैव नो आईडिया व्हाट योर सिचुएशन इज बट आई फील लाइक वी हैव सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन राइट। या मी टू। नंबर 6 पीकू। वेल पीकू इज नॉट नोन एज अ लव स्टोरी पर उसमें इरफान खान और दीपिका पादुकोण के बीच दिखाई गई केमिस्ट्री काफी ओरिजिनल लगती है। दोनों कैसे एक दूसरे से लव हेट का रिलेशनशिप रखते हैं और धीरे धीरे दे स्टार्ट टू फील फॉर ईच अदर। फिल्म में भी ये लव एंगल बहुत ही मेच्योरिटी से दिखाया गया है जहां दोनों कैरेक्टर्स कभी भी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते फिर भी दोनों को पता होता है कि दे हैव स्टार्टेड टू लाइक ईच अदर। पीकू ओवरऑल इज अ ग्रेट फिल्म जिसको फ्यूचर में भी याद रखा जाना चाहिए। अरे दिल की बुरी नहीं है वो। नंबर 7 द बिग सिक। अब बात करें एक रीसेंट रोम कॉम की तो द बिग सिक इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आउट देयर। फिल्म में हम एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुमैल नंजियानी की कहानी देखते हैं जिसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो जाता है। कुमैल को लगता है कि उसके पेरेंट्स कभी एक अमेरिकन लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसी कन्फ्यूजन में वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि शी इज डायग्नोस्ड विद एन इलनेस जिसकी वजह से वो कॉमा में चली जाती है। आपको फिल्म का प्लॉट काफी अनरियलिस्टिक लग रहा होगा पर हम आपको बता दें कि फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म के एक्टर कुमैल नंजियानी की ये स्टोरी है जहां उनकी गर्लफ्रेंड एमिली के साथ ऐसा रियलिटी में हुआ था। If you are looking for a feel-good, funny love story, then you should definitely watch The Big Sick on Prime Video. Are you judging Pakistan's next top model? You know how we have arranged marriage in my culture? नंबर 8 दम लगा के हायशा। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्म्स में हम ऐसी लव स्टोरीज देखते हैं जहां लड़का लड़की एक दूसरे की लुक्स को देखकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। डेफिनेटली रियल लाइफ में भी जाने अनजाने में हम लुक्स पर ध्यान देते हैं और एक ह्यूमन की रियल ब्यूटी को पीछे छोड़ देते हैं। दम लगा के हायशा में हमें ये नैरेटिव बहुत अच्छे से दिखाया गया है जहां वी गेट टू सी टू पीपल एक्सेप्टिंग ईच अदर विद देयर ओन फ्लॉज। प्रेम का कैरेक्टर आयुष्मान ने प्ले किया है जो अपने फादर के साथ एक कैसेट की दुकान चलाता है। वो हमेशा से पढ़ाई में कमजोर रहा है और कभी भी उसकी फैमिली ने उसे किसी काम के लायक नहीं समझा है। वहीं दूसरी तरफ संध्या एक पढ़ी लिखी सेल्फ मेड लड़की है पर उसके वेट को लेकर उसे हमेशा जज किया जाता है। दोनों पूरी फिल्म में कैसे एक दूसरे को समझ पाते हैं और कैसे उनमें प्यार होता है ये सभी एस्पेक्ट्स फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। नंबर 9 लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। Imagine if you are in a country where you don't understand anyone and then you find someone like you. बस यही लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की कहानी है। फिल्म में बिल मरे को हम बॉब के कैरेक्टर में देखते हैं जो प्रोफेशन से एक एक्टर है और वो एक एड शूट करने टोक्यो आता है। उससे ना वहाँ के लोगों की लैंग्वेज समझ आती है और ना उसे वहाँ की लाइफ एक्साइटिंग लगती है। उसी बीच वो शार्लेट से मिलता है जिसका रोल स्कारलेट जॉनसन ने प्ले किया है। शार्लेट भी उसी की तरह टोक्यो में लोनली फील करती है और दोनों एक साथ टाइम बिताना शुरू करते हैं। फिल्म में लव का नैरेटिव एक ऑब्वियस वे में नहीं दिखाया गया है पर दोनों की क्लोजनेस से फिल्म में डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन सामने आता है। यू कैन कॉल इट अ लव स्टोरी, अ फ्रेंडशिप स्टोरी और two people being nice to each other. Lost in Translation एक बहुत ही iconic film है जिसे आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए। The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. आखिरी फिल्म से पहले वी वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट आर नेक्स्ट वीडियो। सिंस ये वैलेंटाइंस वीक है तो हमने आपको इस वीडियो में रियलिस्टिक लव स्टोरीज के बारे में बताया है। इसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं कि एक वीडियो उन फिल्म्स के बारे में भी बनाएं जो आपको लोनलीनेस और हार्ट ब्रेक से डील करना सिखाती है। व्हाट डू यू थिंक, शुड वी मेक दैट वीडियो और नॉट? लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल ओनली मेक इट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट वीडियो।
नंबर 10 मसान। जिन लोगों ने मसान देखी है वो ऑलरेडी जानते हैं कि मसान कितनी रियलिस्टिक फिल्म है। फिल्म में लव एंड लॉस का नैरेटिव दिखाया गया है जहां हम तीन कैरेक्टर्स की कहानियां देखते हैं। फिल्म में सबसे हार्टफेल्ट स्टोरी आपको दीपक और शालू की देखने को मिलती है जहां विक्की कौशल और श्वेता त्रिपाठी इन कैरेक्टर्स को प्ले करते नजर आते हैं। दीपक एक बहुत ही सिंपल सा लड़का है जो आगे मेहनत करके एक सिविल इंजीनियर बनना चाहता है और उसी दौरान उसे शालू से प्यार हो जाता है। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें देखकर आप सब उनकी लव स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से दोनों एक साथ बाइक पर घूमते हैं या फिर कैसे दोनों एक मेले में दूर दूर से एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इन सीन्स को देखकर यू विल फील कनेक्टेड टू देयर स्टोरी एज वेल। फिल्म के गाने तू किसी रील से गुजरती है में भी आप एक ऐसी फीलिंग को डिस्कवर करते हैं जो शायद ही किसी और गाने में आपको देखने को मिलती है। मसान में लव के अलावा हार्ट ब्रेक और गिल्ट का नैरेटिव भी बहुत डीपली दिखाया गया है। जिस तरह से दीपक इस सीन में रोता है उसे देखकर शायद आप भी इमोशनल हो जाएं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए दैट्स इट अप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @ सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।